खबर रायगढ़ से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें कि रायगढ़ दौरे में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के निवास स्थान पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं मंत्री सिंहदेव ने शहीद कर्नल विप्लव, उनकी धर्मपत्नी और बेटे के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिजनों के भेंट कर संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही शहीद के पिता ने राज्य स्तर पर उनके बेटे के नाम पर पुरस्कार देने की मांग की है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करने का आश्वासन दिया। राजनीति से जुड़े लोगों का इस तरह का आना मैं एक हद तक बहुत औपचारिक मान चुका हूँ, फिर भी सिंहदेव साहब ने जो बातें आज यहाँ कहीं, वे अपनी तरफ से भरसक कोशिश करेंगे कि राज्य स्तर में पुरस्कार की घोषणा हो, एनडीए में स्कॉलरशिप स्थापित किया जाए, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कुछ कहा तो सही। बाकी हमने जो खोया है वो तो अनमोल है, उसकी तो कोई भरपाई हो ही नहीं सकती, लेकिन आने वाली पीढ़ी विप्लव और मेरे बच्चों के बलिदान से कुछ प्रेरणा ले सके तो यह एक अच्छी बात होगी, एक नैतिक बात होगी, एक जरूरी बात होगी। आज परिवार के साथ कुछ पल बिताने पे वो हादसा पुनर्जीवित हुआ। हम लोग स्तब्ध रह गए थे कि ये कैसे ऐसी घटना हो गई, क्योंकि जो फ्रंट लाइन में रहते हैं वो तो कफन बांध के रहते हैं, लेकिन पूरे परिवार के साथ इस प्रकार से षड्यंत्र करके ऐसी घटना मैंने भी नहीं सुनी थी, और एक बहुत बड़ी क्षति परिवार को भी हुई। पुराने स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा हुआ ये परिवार और शहीद के नाम से निसंदेह पुरस्कार इस प्रकार के स्थापित होने ही चाहिए, जो आगामी पीढ़ियों तक चलें और इनकी वीरता